So, इसका रीजन बताना है सॉल्ट कंटेंट हाई होता है सॉल्ट कंटेंट कैसा है हाई है एज कंपेयर टू द फ्रेश वॉटर इस वजह से जो वॉटर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बॉडी में फिश की कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है वॉटर इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग ड्यू टू ऑस्मोसिस रीजन है इसका ऑस्मोसिस बट जब सेम फिश को हम फ्रेश वॉटर से उठाकर सॉल्ट वॉटर पे डाल रहे हैं या फिर सलाइन वॉटर पे डाल रहे हैं सी वॉटर में जिसका सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है इवन एज कंपेयर टू द फिश तो यहां पर क्या होगा डिफरेंट यहां पर फिश कैसी थी हाइपरटोनिक थी इन फ्रेश वॉटर बट अब यहां पर फिश हो जाएगी हाइपोटोनिक दैट मीन्स कॉन्स्टेंटली वॉटर फ्लो होगा वॉटर विल फ्लो आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश ऑफ़ और ये रीज़न रहेगा कि फ्रेश वाटर की एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पाते सी वाटर में सो so, इसके आंसर रहेगा हमारे पास अगर हम इसको वन वर्ड में आंसर लिखना चाहें तो इसका रीजन होगा ड्यू टू अकॉर्डिंगली दिस विल बी द आंसर टू आर क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट थैंक यू क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर